टेक्निक जो आपने बोला पास पेनफुल मेमोरी, वो हम लोग सब कर लेते हैं, ठीक यस मैम। है? तो आप लोग सब मेरा साथ दीजिए, कंधों को पीछे खींचिए तो स्पाइन सीधी हो जाएगी। रूल नंबर वन, कंधों को पीछे खींचिए, आंखें बंद कीजिए, गहरी लंबी सांसें लीजिए। ना अब यहां पर आप लोग मेरी टोनैलिटी को भी ध्यान दीजिएगा, वर्ड्स को ध्यान दीजिएगा, आपको समझ आएगा कि किस तरह से लैंग्वेज होती है। ओके चलिए, टेक डीप ब्रेथ्स, अपनी सांसों को अपनी नाभि तक लेके जाइए और मुंह से बाहर निकालिए। तीन चार लंबी गहरी सांसें लेंगे, थोड़ा सा अपना चिन्ह ऊपर की तरफ करेंगे, कंधों को पीछे खींचेंगे तो स्पाइन अपने आप सीधी हो जाएगी। रिलैक्स होके बैठेंगे, हाथों को सामने रखेंगे, क्रॉस नहीं करना है ना पैरों को ना हाथों को। धीरे धीरे अपनी सांसों पे ध्यान देंगे, इमेजिन कीजिए आप एक रूम में बैठे हैं, सामने कांच की दीवार है और उस कांच की दीवार के दूसरी तरफ एक और रूम है। उस रूम में पेंट थोड़ा उखड़ा हुआ है, पुराना सा कमरा दिख रहा है, एक टेबल भी है और उसके ऊपर एक टीवी रखा है। और उस टीवी का रिमोट जो है वो आपके हाथ पे है। स्विच ऑन कीजिए, जैसे पहले आता था ना वो काला और सफेद बूंदी बूंद किसी आती थी टीवी में, वो ऑन हो गया है। अब कोई भी एक पास की ऐसी मेमोरी जो आप भूलना चाहते हैं, जो आपको तकलीफ देती है, जिसके बारे में सोचते ही बस आपको ऐसा लगता है ये नहीं आनी चाहिए सामने, जो सच में बहुत तकलीफ देती है, उसको आप सामने देखिए। उस टीवी में चलता हुआ देखिए, उसके रंगों को देखिए, उन आवाजों को सुनिए, उसमें आप कहाँ हो वो देखिए, जैसे पिक्चर चलती है। और जब ये तकलीफ थोड़ी ज्यादा बढ़ जाए, जब नहीं सहन हो रही है, आपके हाथ में इस पिक्चर का रिमोट है, सबसे पहले तो इसे म्यूट कर दीजिए, उन आवाजों को म्यूट कर दीजिए पूरी तरह से, जीरो। अब आप पिक्चर तो देख पा रहे हैं लेकिन उसकी आवाजें नहीं सुन पा रहे हैं। धीरे से इनके सारे कलर्स भी ले लीजिए, उसको टोटली ब्लैक एंड व्हाइट कर दीजिए। अब इस पिक्चर को पॉज कर दीजिए, रिमोट आपके हाथ में है, कंट्रोल आपके हाथ में है, पूरी तरह से उसको पॉज कर दीजिए। अब इस पॉज्ड पिक्चर को
आप धोना शुरू करेंगे। आपका जो हाथ में रिमोट है उसमें एक बहुत कमाल का फीचर है, उसका आप एक बटन दबाएंगे तो उसमें से पानी निकलता है। तो आप उस टीवी के ऊपर उस पानी की धार को मारेंगे लेफ्ट टॉप कॉर्नर से चलते हुए, उस पानी की धार को पूरे टीवी के ऊपर मारते जाएंगे। और जैसे जैसे आप उस टीवी की स्क्रीन को क्लीन कर रहे हैं, आप देखेंगे जो भी पॉज पिक्चर थी वहां पर, वो धीरे 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 टीवी के राइट कॉर्नर से नीचे की तरफ बहती जा रही है। वहीं पर एक नाली है, और आप देखेंगे कि वो जो पानी, वो जो फोटोज का, जो पिक्चर का, जो भी पानी है जो निकल रहा है, वो उस नाली में जाके बह रहा है। वो आपका जो रिमोट है उसके पीछे डस्टर लगा हुआ है, कपड़ा लगा हुआ है। अब आप उस टीवी को पहुंच दीजिए, तो स्क्रीन पे अगर कुछ पानी की बूंदे भी हैं, तो वो भी सब हट गई, वो भी सब मिट गई। स्क्रीन एकदम टोटली ब्लैंक। इमेजिन कीजिए ये डस्टर, ये रिमोट आप टीवी के ऊपर रख रहे हो, दोनों हाथों से टेबल और टीवी को उठा रहे हो, और उठाने के बाद इसको जोर से खिड़की से बाहर सूरज की तरफ फेंक रहे हो। टोटली अपने फिजिकल हैंड को यूज कीजिए, अपने दोनों हाथों से ऐसे इमेजिन कीजिए आप उठा रहे हो, और उसको उठाइए, थोड़ा और ऊपर की तरफ उठाइए और खिड़की से बाहर फेंक दीजिए। आप देख रहे हो दूर तक उसको जाते हुए सूरज में। वो वहां जाके जल चुका है। अब धीरे से वापस आएंगे जहां आप अभी हैं, करंट स्टेज पे। एक बार आंखें खोलेंगे, थोड़ा सा बॉडी मूवमेंट दीजिए और आंखें खोलिए। आंखें खोलने के बाद फिर से आंखें बंद कीजिए, अभी हमारा काम पूरा नहीं हुआ है। फिर से आंखें बंद कीजिए, फिर से इमेजिन कीजिए सामने एक कांच की दीवार है, और दूसरी तरफ जो रूम है वो बहुत ब्यूटीफुल है, आपके फेवरेट कलर का पेंट लगा हुआ है उसमें, वॉलपेपर भी बड़ा सुंदर है, और एक मॉडर्न टेबल लगी हुई है। इस मॉडर्न टेबल के ऊपर एक मॉडर्न टीवी है, लेटेस्ट मॉडल का, बड़ा सुंदर सा बड़ा सा टीवी है, और एकदम सुंदर सा उसका रिमोट है जो आपके हाथ में, ब्यूटीफुल। इस रिमोट से फिर से आप टीवी को ऑन करेंगे और अपनी खूबसूरत सी मेमोरी, चाहे वो आपके बच्चों की हो, चाहे आपको कभी फर्स्ट मेडल मिला हो, आपको एप्रिसिएशन मिला हो, जो आपकी बहुत प्यारी अजीज मेमोरी है जिससे आपको खुशी मिलती है, चाहे शादियां हो घर में, चाहे किसी का बर्थ हो, जब आप दिल से खुश हुए थे, उस मेमोरी को उस टीवी पर चलाइए जैसे मूवी चल रही हो। अपने आप को उसके अंदर देखिए,
एंजॉय करते हुए, उस खुशी को महसूस करते हुए, उसको बहुत कलरफुल बनाइए, बहुत अच्छा साउंड दीजिए, उस खुशी को महसूस कीजिए, अपने आप को नाचता हुआ पाइए उस खुशी में। एंजॉय कीजिए, हर एक पल को एंजॉय कीजिए। जब वहां से वापस आना चाहे तो धीरे से अपने बॉडी को मूव कीजिए, हाथों पैरों को हिलाइए, कॉन्शियसनेस में वापस आ जाइए। आई होप सब लोग वापस आ गए हैं अपने करंट स्टेट में, कॉन्शियसनेस में। जिनके वीडियोस बंद हैं उनका मैं कुछ नहीं बता सकती हूँ, लेकिन जिनको मैं देख पा रही हूँ उनके मूवमेंट्स दिख रहे हैं, सो दे आर ऑल हियर। चलिए, आई होप सो सब लोग कॉन्शियसनेस में वापस आ गए हैं अभी। एटलीस्ट कुछ प्रेजेंस अपनी रजिस्टर कराइए जल्दी से, सो दैट आई नो यू ऑल आर हियर। हाँ जी मैम, मैं तो हूँ। आप yes, ma'am. जो दिख रहे हैं उनको तो मैं देख पा रही हूँ, जो नहीं दिख रहे मैं उनकी बात कर रही हूँ। हाँ ये अच्छा है, जयश्री जी ने थम्स अप दिखा दिया कि हाँ मैं हूँ। दैट्स ग्रेट। चलिए, आई होप सो बाकी जिनके बंद हैं वो भी हैं यहाँ पर। अच्छा, अब मुझे आप लोग बताइए, जो भी हमने अभी एक्सरसाइज करी, ठीक है, जो पहले जो आपने जो दर्द की आपकी कंसिस्टेंसी थी या जो दर्द का जो फीलिंग था, अगर मैं उसको स्केल करने को बोलूं 1 to 10, तो आप कहाँ रखोगे उसको पहले? कोई भी बता सकते, कोई भी शेयर करें। नहीं, पहले आप उसको कहाँ रखोगे, जो आपका इंटेंसिटी था दर्द का, अगर मैं उसको 1 to 10 की स्केल पे बोलूं तो आप कहाँ रखोगे? अब मैम पहले 10 था, अब आप लगा लीजिए लाइक 4। आप बताइए। हाँ मैम 4। 4 पे आया, तो दैट मींस इट वर्कड। जब मैं कर रही ना तब नहीं मुझे पता लगा, जब मैंने अपनी आईज खोली ना तो अब थोड़ा लगा कि माइंड का क्या स्टेट है, पहले क्या था। हाँ, और उससे आपको काफी रिलीफ भी मिला होगा। पहले मैं सर दर्द हो रहा था। हाँ जी, तमीशा जी आप बताएं। मैम पहले तो दिमाग ही घूम जाता था, खैर 10 ही समझो, लेकिन जब मैंने आपने जब दूसरी इसका इनिंग करी, दूसरी पार्ट लिया, तो उसमें मैंने, मेरे पास एक थॉट नहीं, दो थॉट्स आए थे। समझ लो मेरी टीवी स्प्लिट हो गई थी दो स्क्रीन पे। कोई बात नहीं, और मैं उसे एंजॉय कर रही थी एक्चुअली। एक 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 मेमोरी को एंजॉय कर रही थी, तो दूसरी में रिलैक्सेशन मिल रहा था। ग्रेट, तो ये फीलिंग थी है, मतलब है भी। तो यू आर फीलिंग गुड। अभी वो पास्ट मेमोरी को आप याद करने की कोशिश करो, धुंधली। मैं करना नहीं चाहती एक्चुअली, वो आएगी नहीं। नहीं, मैं चाहती नहीं। हाँ, वो आएगी नहीं दिमाग में। और उससे जो तकलीफें अभी तक हो रही थी वो भी नहीं होंगी, बिकॉज हमने अपने सबकॉन्शियस माइंड को अभी क्या किया, हम लोगों ने किया क्या, अच्छा ये बताइए। इतनी देर से मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ, बहुत सारी बातें आप लोगों को बताई हैं,
कोई इस टेक्निक को एनालाइज कर पाएगा यहाँ पर, आप में से कोई भी? हमने किया क्या? मतलब हमने अपने नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट्स में, अपना मतलब अपनी सोच को चेंज किया, हमने बेसिकली अपना नजरिया चेंज कर लिया, न्यूरॉन्स की लैंग्वेज को प्रोग्राम कर दिया। हाँ मतलब नजरिया देखने का, सोचने का, मतलब जहाँ हम मतलब जो हम चीज सोच रहे थे वो हम कुछ और सोचने लग गए, हमारा दिमाग कहीं कुछ और सोच रहा है। राइट राइट। तो हमने अभी क्या किया, जितने भी नेगेटिव पैटर्न्स हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पड़े थे हमने उनको निकाला, उनकी प्रोग्रामिंग करी कुछ नए थॉट्स की और वो हमने अपने दिमाग में बिठा लिया। उसी की जगह पर आप देखोगे, जब आप कभी, आप लोगों ने किया अपने कंप्यूटर्स को क्लीन किया है, वो बाइट डीफ्रेगमेंट और वो सब जो करते हैं, वो बाइट्स को अरेंज करना होता है जिसको हम बोलते हैं, है ना? या फिर आप अपने मोबाइल में जो पिक्चर्स डिलीट करते हो तो उनकी एक जगह खाली हो जाती है तो नई पिक्चर्स आती हैं, वो जो डिलीट होती हैं वो आप पहले रिसाइकल बिन में डालते हो फिर वहां से परमानेंटली उसको डिलीट कर देते हो, यही करते हो ना? तो हम भी तो यही करा हमने अपने दिमाग के साथ, हमने वो नेगेटिव चीजें जो अनवांटेड थी हमने उनको निकाल के बाहर फेंक दिया, उसकी जगह नई चीजें ले आए। अब हमें वो याद भी नहीं आएंगी कि अब क्या था, और उससे जो हमें तकलीफ हो रही थी, हमारा मेमोरी फुल हो रहा था मोबाइल का, वो ठीक हो गया, है ना? सो आई होप सो आप सबने ये टेक्निक एंजॉय की होगी, कुछ लोगों की तकलीफें निकली भी होंगी और कुछ की भी होंगी, किसी परसेंट पे होंगी जरूर, ऐसा नहीं है एक बार में निकलती है। लेकिन जब हम क्लास के दौरान सिर्फ ये एक बार नहीं करते हैं, इसको कई बार रिपीट करना होता है, तब जाके वो जीरो पर आती है, ठीक है? सो दिस इज हाउ एनएलपी वर्क्स विथ योर माइंड।